नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। मैं आलोक शुक्ला। आज आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अभी आप लोगों ने ASI की परीक्षा दी और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की तुरंत, जहां पे आपके अंदर ये था कि वैकेंसी आएगी, कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ एक वैकेंसी और थी, रेडियो ऑपरेटर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ चीज़ें आयोग में पहले से रखी हुई हैं, आज या कल में आपकी वैकेंसी आ जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आज आपका रेडियो ऑपरेटर का UP जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसकी तरफ से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 20 तारीख से हो जाएगा। काफ़ी संख्या में पद हैं, करीबन 2420 पद हैं लगभग। इसमें आपके जो प्रधान परिचालक होते हैं, जो उसे रेडियो ऑपरेटर बोलते हो, उसी में सहायक परिचालक, वो भी रेडियो ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। और इवन जो वर्कशॉप होता है उनके, उनकी जो कर्मचारी होते हैं, तो वो कर्मशाला परिचालक जो कर्मचारी हैं उनकी, ये पूरे पद हैं। उनका विवरण मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले जो मित्र चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और सेशन को लाइक भी जरूर कर देना, शेयर भी कर देना। बैचेज आपका पहले ही से चल रहा था, संकल्प बैच के अंतर्गत हमने 7 बैचेज चलाए थे जिसकी फीस केवल 1 ले रहे थे। ऑफर हालांकि वो नहीं है, अभी हो सकता है 4-5 दिन में ऑफर का, लेकिन अभी कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है आज है। मैं आपको बता दूं 70% ऑफ जो यहाँ पे चल रहा था उसका ऑफर है, इसलिए मैंने बता दिया। 899 था 3000 संकल्प बैच का। अगर नहीं आता है ऑफर तो भी आपका ये बैच केवल 899 में केवल इंडिविजुअल मिल जाएगा। ईच बैच की जो प्राइस है वो 899 है। इसमें हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। खैर, आते हैं जो विज्ञप्ति है उसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये है सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, आज दिनांक जो है वो 6 तारीख है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो विज्ञप्ति आई है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 6 तारीख है ये, ठीक। सबसे पहले आपका प्रधान परिचालक, यहाँ पे यह प्रधान परिचालक यांत्रिक, दोनों पद एक ही में आते हैं, एक आपका मैकेनिकल में होता है, एक आपका जनरल में होता है। दोनों के जो है सबके कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS, नॉन क्रिमी लेयर यानी कि OBC से बोलते हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये जो हो गया टोटल 936 पद हैं। प्रधान परिचालक के 936 पद हैं। ऐसे ही आप सहायक परिचालक का देखोगे तो उनके 1300 समथिंग पद हैं, 1374 पद हैं। और जब आप कर्मशाला कर्मचारी का देखोगे तो 120 पद हैं। सबकी अर्हताओं के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, सबका सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे। थोड़ा सा पीसेस आपको बनाना है, 5 से 10 मिनट में मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तैयारी कैसे करनी है और कितना। एक बात समझ लीजिएगा, चुनावी समय चल रहा है, वैकेंसीज बार बार, अभी कल आपका लेखपाल का देखे, आज ही अभी अधीनस्थ ने एक अनुदेशक की फिर से लगभग 2000 पदों की विज्ञप्ति और जारी कर दी है। इधर आपका रेडियो ऑपरेटर, 4-5 दिन में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर आने वाला है। तो ये लगातार आपकी वैकेंसीज बहुत तेज आने वाली है। और मैं बता दूं, इसके अलावा अधीनस्थ में जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो और AGTA हो गया, इन सबके केंद्र सुपरवाइजर की भी वैकेंसी जल्दी आने वाली है। इसमें सरकार पूरी मंशा साफ कर दी है कि जो बच्चे हमसे रूठे हुए हैं वो मान जाए कहीं ना कहीं और उन्हें लालच मिल जाए। हालांकि बहती गंगा में हाथ धोना आपको भी आना चाहिए। अगर वैकेंसी आ जाएगी तो पेपर होगा और कभी ना कभी रिजल्ट होगा, कब होगा ये बात अलग है, लेकिन तैयारी आपको करनी है। और इन सब में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और अधीनस्थ आपको समय नहीं देने वाला है पेपर में, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। खैर, आगे हम लोग चर्चा करते हैं चीजों की। सीधी भर्ती है ये, भरे जाने के पदों में सापेक्ष क्षतिश जो उनका आरक्षण होता है उसके बारे में दिया है। इसके बारे में हम लोग FAQ के माध्यम से छोटी छोटी बातें आपको ले आएंगे, लेकिन जो मेन चीजें हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आप देख लो कि जो पंजीकरण के आरंभ होने की तिथि है, स्टार्ट डेट है वो 20 जनवरी है, और उसके बाद अंतिम तिथि जो है वो 28 फरवरी है। आपका कम से कम 11 इधर 28 उधर, कहने का मतलब 29 और 10 39 दिन का, लगभग 39 से 40 दिन का समय दे रहा है, काफी समय दे रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड फॉर्म भराने में पर्याप्त समय देता है, ये आपको पता है, जहां पे अधीनस्थ आपको केवल 3 ही सप्ताह दे रहा है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी 28 है, और आवेदन पत्र सबमिट करने की भी जो तिथि है वो 28 है। मतलब 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 एक से, और 28 दो को समाप्त हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये तीनों जो अलग अलग विज्ञप्ति हैं, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, अलग अलग फीस जमा करनी पड़ेगी। जो फीस है वो 400 रुपए है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, लगभग सारे, अभी आगे भी देख लेंगे, किसी का अलग तो नहीं है, लेकिन सारे पदों के 400 इंडिविजुअली आपको देने पड़ेंगे, फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे। आर्ताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। तो बाकी सारी चीजें तो वही है, भारत के नागरिक होना चाहिए, फलाना ठिकाना, इन सब के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। शैक्षिक आर्ता देख लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। तो जब आपकी किसकी बात आएगी, प्रधान परिचालक या सहायक परिचालक की बात आएगी, जो रेडियो ऑपरेटर आप कोर बोलते हो, है ना, मैकेनिकल और कोर में, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, ध्यान दीजिएगा यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल, ये तीनों अलग अलग हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे आप लोग ECE बोलते हो,
टेलीकम्युनिकेशन होता है या इलेक्ट्रिकल होता है जो कोर इलेक्ट्रिकल होता है, कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है इसमें। इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण। अब ये समझिएगा, अगर यहाँ पे डिप्लोमा मांगा है तो इसका मतलब बीटेक वाले ऑलरेडी एलिजिबल हैं। आप ये मत पूछिएगा कि सर बीटेक वाले भर सकते कि नहीं, भाई ये मिनिमम अर्हता होती है। मैक्सिमम तो आप कुछ भी कर लो, बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, एमबीए कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फाइनली आपका, और अभी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करे, डिप्लोमा करें या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक करें, तो बीटेक वाला इससे डिप्लोमा से ज्यादा बड़ा है, ये बात आप समझिएगा। सिविल वाला नहीं कर सकता है, ये बात भी मैं आपको बता दूं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने हुए, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इवन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी हो गया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सभी जितने हैं डिप्लोमा या बीटेक होल्डर आराम से इसमें भर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, या इसके समकक्ष जो भी हो कोई डिग्री, इन्होंने टिप्पणी में कुछ दिया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 28/2/2022 तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। अंतिम तिथि तक आपके पास एटलीस्ट मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट, डिग्री हो, अलग बात है, प्रोविजनल बाद में लगा देना, एफिडेविट बनवा लेना, जो भी करना होगा वो सारी चीजें एफएक्यू में आपको बताई जाएंगी, पूरी मदद की जाएगी, जैसे एएसआई एसआई में आपको मदद किया गया है, पूरी मदद यहां पे भी की जाएगी। ए टू जेड सॉल्यूशन दिया जाएगा, कक्षा से लेके आपको फॉर्म कैसे भरना है इन सबसे लेके, आपको पेपर कैसे देना है, पेपर के बाद आपको कैसे डीबी होगी, कैसे पीएसटी होगी, कैसे आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाएगी, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करते चले। अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अंक तालिका मतलब मार्कशीट होता है, ठीक है ना, प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट, कई बार सर्टिफिकेट में ही मार्कशीट होता है, तो उसके लिए अलग से परेशान मत होना चाहिए। और अथवा लिखा है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट है तब भी काम चल जाएगा, मार्कशीट नहीं है, सर्टिफिकेट है तो भी काम चल जाएगा, हालांकि मार्कशीट पहले आ जाती है, सर्टिफिकेट बाद में मिलता है आपको, यह बात पहले समझते चलिएगा। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपियर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपियरिंग अभ्यर्थी पात्र ना होंगे, कोई अपियरिंग वाला फाइनल ईयर वाला पात्र नहीं होगा। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके बारे में वो क्या करेगा, उसका एक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जिसे बाद में आप लोग एफिडेविट समथिंग करके करते हो, ठीक है। आते हैं, हाँ, अधिमानी अर्हताएं देख लें। अधिमानी अर्हताएं मतलब कि अगर इसके अतिरिक्त किसी को होता है, बच्चे सेम नंबर पाते हैं तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब कि एक ही नंबर पे दो कैंडिडेट हैं, किसी के पास ओ लेवल होगा डोए के नीलेट से, या फिर वो ग्रेड बी का, उसके पास एनसीसी का होगा, राष्ट्रीय कैडेट कोर्स से बी प्रमाण पत्र जो होता है, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष प्रादेशिक सेना में वो कार्यरत रहा होगा, तो उसको अधिमानी अर्हता मिलेगी। मतलब ये बच्चा अगर किसी दूसरे बच्चे से जो सेम नंबर पे है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और वो शायद ना हो, अधिमानी अर्हता दी जाती है, ठीक है। आयु के बारे में देख लें तो सबके आयु में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रधान परिचालक का है और इसमें क्या बोल रहा है, 20 वर्ष से लेके और 28 वर्ष, 20 से लेके 28 वर्ष यहां पे चाहिए, कब से, 1/7/2022 को मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष, 1/7/1994 से लेके, तो डेट की ये देख लीजिएगा, 1/7/94 से लेके 1/7/22 तक इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना, इससे पूर्व या इसके बाद ऐसा कुछ है, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं, इससे पूर्व ना हो उसके बाद का ना हो, यहां पे देखते हैं चरित्र वगैरह वही चीज है, टिप्पणी यहां पे वही चीज है, बाद में इसे हम लोग एफएक्यू में कवर कर लेंगे। यहां पे वैवाहिक परिस्थिति सभी का इतना पता होता है, ठीक है ना, शारीरिक स्वस्थता इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा। किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। मतलब अगर वो फिजिकली फिट होना चाहिए, उसके लिए मेडिकल टेस्ट भी बाद में होगा। भर्ती की प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन परीक्षा होगी, पहला आपका दो से तीन चरण होंगे, पहला आपका ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन करें, ऑनलाइन ही परीक्षा होगी, ऑफलाइन नहीं होगी, एएसआई और एसआई की भी ऑनलाइन ही हुई थी, तो ऑनलाइन परीक्षा होगी, इसके बाद आपका डीबी पीएसटी होगा और उसके बाद आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो कराया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी फाइनल नियुक्ति होगी। तो 400 अंकों की परीक्षा है, जो सिलेबस है वो लगभग एसआई एएसआई की तरह है। पहला सेक्शन सामान्य हिंदी का होगा, 100 अंक है, इसमें यह नहीं दिया है कि टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन अभी यहां पे जो अनुमानित है, यहां पे अभी देख लेते हैं, अगर आगे दिया हो
दिया नहीं है, टोटल 400 अंक का दिया है, 4 सेक्शन दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 50-50 क्वेश्चन वाले ही सेगमेंट पे चलेगा, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसे हम लोग देख लेते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होगा, क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर है तो एएसआई भी जो आपका था वो 2.5 घंटे का था, यूपीएसआई आपका 2 घंटे का था, वहां पे 160 क्वेश्चन थे, 40-40-40-40, लेकिन यहां पे वो 2.5 अंक प्रत्येक का था, यहां पे कितना है 50-50-50 होना चाहिए। 2.5 घंटे का पेपर होगा, टोटल 150 मिनट का पेपर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी कराई जाएगी। इक्विपर्सेंटाइल मेथड यहां पर भी लगेगा। किसी संभाग में कोई प्रश्न गलत होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इस फॉर्मूला पे होगा। ऐसा नहीं है कि 4 प्रश्न गलत हो गया है तो 4 के उत्तर सभी बच्चे को दे दिया जाए, जो सही भी कर रहा है उसे भी, जो नहीं कर रहा है उसे भी, या जो अटेम्प्ट किया उसे भी नहीं। ये आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा कि किसी सेक्शन में क्वेश्चन गलत होता है तो उसके मार्क्स आपको एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ नहीं, यहाँ पे एक्यूरेसी का फॉर्मूला नहीं लगाया है तो ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, नॉर्मली सबको बराबर मिलेगा। इसके फिजिकल में देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वही जैसे चलती आई है वैसे चलेगी। ऊंचाई देख ले तो पुरुष की भैया 168 सेंटीमीटर है, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जे सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा हूं, जो जनरल है और ओबीसी है उनका 168 होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति है ना के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160। जनजाति की बोल रहा है, केवल एसटी की बात कर रहा है, ठीक है। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों, यानी कि यहां पे एससी भी इंक्लूड कर रहा है, इनका 168 और एसटी जो है उनका कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। यहां पर जो सीना है, सीना भी है यहां पर 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84, मतलब 5 सेंटीमीटर तक आपको सीना जो है वो फुलाना है। किसके? सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित, जनरल ओबीसी। फिजिकल में जनरल ओबीसी और एससी को एक समकक्ष रखा जाता है, एसटी को अलग रखा जाता है। एसटी के लिए जो है यहाँ पे 82 तक दिया गया है, ठीक है ना, 77 और 82, मतलब मिनिमम 77 हो, 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है, और मैक्सिमम 82 फुलाने के बाद, मतलब 5 उन्हें भी फुलाना है, 5 सेंटीमीटर फुलाना सभी को है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उसने अलग से लिख दिया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक है, महिला के लिए जो गर्ल्स हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए 152 सेंटीमीटर है, और वहां पे सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित के लिए, जो एसटी फीमेल है उनके लिए क्या होना चाहिए, 147 ही हाइट होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। इनमें कोई सीना का वो नहीं होता, वजन होता है यहाँ पे, और 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए, इससे कम होगा 39.9 भी होगा तो आप लोग नहीं हो पाओगी, ये बात समझिएगा आप लोग। अभिलेखों की समीक्षा यानी कि डीवी की जाएगी, और इसके आधार पर सारी चीजें हम लोग अलग से भी वीडियो बना लेंगे, इसके लिए भी आप परेशान मत हो। शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, इसका आप देख लो, 4.8 किलोमीटर की रेस कितने में करनी है, 4.8 किलोमीटर की 28 मिनट में करनी है, ध्यान दीजिएगा। और महिला के लिए कितना करना है, 2.4 किलोमीटर, जो फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर कितना, 16 मिनट में दौड़ना है, ये इनकी रनिंग होगी। रनिंग है इसमें, ऑनलाइन होगा, डीबी होगा, फिर रनिंग होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर जाके आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। टिप्पणी यहाँ पे भी देख लेते हैं। लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथा समय अधिसूचित की जाएगी, ये सभी को पता होता है, बोर्ड की वेबसाइट पे आएगा। चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची इसमें देख लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्तर 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार की जाएगी, मतलब एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, ये बात आप पहले से समझ लेना। विज्ञप्ति में साफ साफ दिया गया है मेरिट के आधार पर होगा, कट ऑफ एक डिसाइड होगा इसका भी, ठीक है। बाकी आगे क्या लिखा है, सूची तैयार कर उसे संस्तुत चिकित्सा परीक्षा चरित्र सत्यापन के अधीन पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाएगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची का निश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यह बहुत जरूरी है कि अगर नंबर सेम होते तो देख लो, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्यता प्रदान की जाएगी जो प्रस्तर 3.3 के अंकित अधिमानी अर्हता के क्रम के अनुसार होंगे, मतलब 2-1 नीलेट और एनसीसी, और ये वाला जो था आपका सेना में कार्य किया हुआ। उपर्युक्त के होते हुए भी यदि अभी भी 2 समान है तो
अधिक आयु वाले को दी जाएगी। अभी भी कोई समान है तो उपरिक्त के बावजूद एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता उनके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र यथा उल्लेखित नाम के, मतलब कि उनके नाम के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग दी जाएगी, जो हर जगह चलता है। चिकित्सा परीक्षण में बाद में FAQ बन जाएगा, इसी का रेडियो ऑपरेटर का FAQ प्लेलिस्ट बन जाएगा, उसमें आप देखते रहिएगा। चरित्र सत्यापन कैरेक्टर सर्टिफिकेट वही होता है। आरक्षण और आयु सीमा की छूट, ये आपका सेम चीज है, इसके बारे में भी एक अलग से FAQ बन जाएगा, बता दिया जाएगा। यहाँ पे समय नहीं बर्बाद करते, सेम वही अधिसूचित अनुसूचित जाति 21% 2% सब चलता रहता है। आगे देख लेते हैं, ये टिप्पणियां भी हम लोग बाद में देख लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, मेन जो चीज है उसे मैं अभी आपको बता दिया हूं। दूसरी वैकेंसी पे एक बार इसके सिलेबस पे डिस्कशन कर लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाँ, एक बार हम इसके सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस ये है सामान्य हिंदी सिलेबस, ने रमन सर ने आपकी अलग से चर्चा की थी, वो वीडियो भी आपने देखा होगा तो वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको PDF भी दे दी जाएगी तो यहां से आप सिलेबस देख लीजिएगा। साइंस का सिलेबस मैं आपको बता दूं, तीनों में अलग अलग है, हिंदी हुआ बाकी सब हुआ लगभग लगभग सेम है। साइंस और GS वाला पार्ट जो है थोड़ा थोड़ा सा अलग है, जिसमें हाई स्कूल में मांगा है उसमें हाई स्कूल के स्तर का साइंस मांगा है, जिसमें डिप्लोमा का मांगा है उसमें डिप्लोमा स्तर का साइंस मांगा है, उसमें कुछ वेक्टर स्केलर ये सब मांग लिया है, और जिसमें 12 टाइप में मांगा है उसमें वैसा मांगा गया है। तो आप इसमें देख सकते हो, ये प्रधान वाले में यूनिट मेजरमेंट हो गया, डायमेंशन हो गया, स्केलर वेक्टर, वर्क पावर एनर्जी मोशन प्लेनेट हो गया, वाटर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमर्स और प्लास्टिक्स यहाँ पे है। अभी आप और देखो, बाकी सब चीज सही है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे चार सेक्शन है, पहला हिंदी का सेक्शन है, दूसरा GS का है, GS में साइंस अलग है, उसके बाद GS अलग है, जनरल नॉलेज है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब रहेगा, उत्तर प्रदेश रहेगा और कंप्यूटर रहेगा, IT रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, ये सब रहेगा। ठीक है ना, सोशल मीडिया वगैरह। बाकी तीसरा मैथ है, मैथ आप देख लो, मैथ में भी जैसे ASI में दो पार्ट थे, SI में ऐसे इसमें भी दो पार्ट है, मतलब मैथ में मैथ और रीजनिंग दो साथ में पूछा जाएगा, 25 प्रश्न मैथ के होंगे, 25 प्रश्न रीजनिंग के होंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी जो चौथा पार्ट है वो टोटल रीजनिंग है, तो रीजनिंग का वेटेज फिर से ज्यादा है, बहुत हिसाब से रीजनिंग पढ़िएगा, इस बार गलती मत करिएगा, स्पीड कम मत रहे, पोस्ट बहुत ज्यादा है, 2400-2500 पद कम नहीं होते भैया, बहुत पद होते हैं और डिप्लोमा करने वाले बच्चे भी बहुत कम होते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आराम से तैयारी करो, टीम परीक्षा प्लस आपके साथ है, जबरदस्त तैयारी करवाएगी, एकदम बोल सकते हैं कि एकदम जो सिलेक्शन है ना, पूरे के पूरे सिलेक्शन है, चार चांद लगा देने वाली है टीम, तो उसके बिल्कुल तैयार हो गई है। सहायक परिचालक के 1374 पद है जैसे मैंने आपको बताया है, बाकी सारी चीजें सेम है ना, लगभग एक बार हम लोग एज पे देख लेंगे, तीन स्टेप इसमें भी हैं, बाकी सब कुछ सेम है। एक बार शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं, इसकी क्या है अर्हताएं जो है, शैक्षिक अर्हता में भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड की भौतिकी एवं गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो, मतलब इसमें केवल 12th मांगा है, एक में डिप्लोमा, एक में 12th और एक में केवल 10th, ये समझिएगा। ठीक है ना, प्रधान वाले में डिप्लोमा, इसमें सहायक वाले में 12th और जो कर्मशाला कर्मचारी है उनमें केवल 10th मांगा है या उसके समकक्ष कुछ मांगा है, बाकी वही सारी चीजें लिखी हुई है। अधिमानी आता भी डोएक वाले, नीलेट वाले को, ओ लेवल वाले को दिया जाएगा, इसमें भी जो वो दिया हुआ है, चार सेक्शन सेम है, 150 मिनट है। अभी कहीं ये जिक्र नहीं किया कितने प्रश्न होंगे, लेकिन 50-50-50-50 होगा अनुमानित, मैं आपको बता दूं, प्रत्येक 2 अंक का होगा और 100 अंक का होगा, इसमें निगेटिव नहीं होते हैं, इसमें भी निगेटिव नहीं होगा, ये बात भी आप समझते हुए चलिएगा, 2.5 घंटे का पेपर ये भी होगा। ठीक है ना, एक बार हम लोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी वही होगी। हाँ, ऊंचाई एक बार इसमें देख लो, जो महिला की है 152 और 79 और 84, इसमें भी फिजिकल सेम है दोनों का, सहायक का और प्रधान का फिजिकल जो है सेम है, रनिंग भी लगभग सेम होगी, रनिंग भी मैं आपको दिखा दूं, रनिंग भी सेम है। ठीक है, इसकी रनिंग भी सेम है, मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया है। उसके बाद और देख लेते हैं, यहाँ पे आरक्षण वगैरह सेम है, कुछ अलग नहीं है। एक बार मैं सिलेबस आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूं कि थोड़ा सा सिलेबस अलग है, ये आप देखो, साइंस वाले में वहां पे जैसे स्केलर वेक्टर पूछा था, यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब पूछा गया है, रे ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये 12th लेवल का सिलेबस है, वो किसका डिप्लोमा लेवल का सिलेबस था, और अगला वाला जो आएगा वो 10th लेवल का सिलेबस होगा। GS में भी एक दो टॉपिक अलग है, बाकी GS 99% सेम है, उसके लिए परेशान मत होना। अन्य जो चीजें हैं, मैथ्स और रीजनिंग सेम है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कर्मशाला कर्मचारी की, इसमें 120 पद हैं, इसमें 10th मांगा है,
टेंथ हो या आईटीआई हो। अभी कुछ लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बिना टेंथ के आईटीआई कैसे हो जाता है, तो आईटीआई की जो अर्हता होती है वो एट्थ पे होती है, ना कि टेंथ पे होती है। एट्थ के बाद भी आईटीआई बच्चे कर लेते हैं, इसके बारे में एक अलग से हम लोग वीडियो और डिटेल में, हो सकता है मेरी भी जानकारी थोड़ी सी सूक्ष्म हो, लेकिन अलग से एक वीडियो बनवा देंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टेंथ हो या टेंथ कोई समकक्ष हो या फिर आईटीआई हो जिसमें शैक्षिक अर्हता है वो दिया गया है, एक बार आप देख लीजिए। भारत में विद्युत द्वारा स्थापित बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई हो, समकक्ष उसके हो, या फिर यहां पे अथवा लिखा है, या तो टेंथ हो, समझिएगा टेंथ हो, या फिर क्या हो, या फिर इसके समकक्ष हो कोई, या फिर क्या हो आपका आईटीआई हो, ध्यान दीजिएगा, तीनों में से कोई भी हो तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे एलिजिबल हो जाओगे। आईटीआई किस किस में है ये ध्यान देने वाली बात है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, टेली कम्युनिकेशन में है, इलेक्ट्रिकल में है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो एंड टेलीविजन, ये एक अलग से ट्रेड होता है, ठीक है ना, डिप्लोमा वगैरह में नहीं लेकिन इसमें होता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसका अलग से ट्रेड होता है। रेफ्रिजरेशन होता है, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी आईटीआई पे ही आता है, ठीक है ना, इनमें से कोई भी होता है तो। एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड, एक प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का भी आईटीआई होता है तो वो भी आराम से ये हो सकता है। तो कहने का मतलब कि आईटीआई इसमें मांगा है, टेंथ ऑब्लिक आईटीआई मांगा है, ध्यान दीजिएगा, दोनों ने टेंथ के साथ आईटीआई नहीं मांगा है, या टेंथ हो या आईटीआई हो, बस इतना समझिएगा, बोर्ड कोई भी हो, बाकी सारी चीजें सेम है। इसमें भी जो आयु है वो 20 से 28 ही है, ठीक है, जो आयु है वो क्या है, 20 से 28 ही है। चलो यहां पर भी 20 वर्ष और 28 वर्ष है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बार हम लोग इसमें आयु देख लें, कुछ आयु चेंज तो नहीं थी, जो सहायक वाला, ठीक है, सहायक वाला जो है उसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं, मेरे ख्याल से एज में कुछ था, उसमें 18 ही था शायद, चलो अभी हम लोग इसे देख लेंगे, ये है 18 वर्ष, हाँ सहायक वाले में 18 से 22 है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रधान है और जो कार्यशाला है उसमें 20 से आपका दिया हुआ है, और यहां पे 18 से 22 दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा बस, बाकी सारी चीजें सेम है। सिलेबस में थोड़ा थोड़ा अंतर है, सिलेबस में इसका दिखा दूं, साइंस में इसका जो सिलेबस है वो 10th लेवल का है, ठीक है, ये लास्ट में हम लोग आते हैं। इसमें जो साइंस दिया हुआ है ये आप देखिए, मैटर नेचर एंड बिहेवियर, मतलब द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार, परमाणु की संरचना, गति एवं बल, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा शक्ति, प्राकृतिक संसाधन, अम्ल क्षार एसिड बेस जो साल्ट होते हैं, पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, प्राकृतिक घटनाएं, ये जो 10th का सिलेबस है या आईटीआई वाला सिलेबस है उसके आधार पर साइंस होता है। एक चीज आप समझिएगा कि 12th अगर किए भी हो भैया रेडियो ऑपरेटर में तो पीसीएम जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, जो 12th है वो पीसीबी वाले नहीं कर सकते हो, पीसीएम वाले ही कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले कर सकते हो, ना इसमें कॉमर्स वाले आ सकते हो, ना ही इसमें बायो वाले आ सकते हो। कारण क्या है, क्योंकि आप ये सारे के सारे जो एलिजिबिलिटी देख रहे हो सब या तो किससे है, डिप्लोमा वाला हो रहा है या आईटीआई ट्रेड वाला हो रहा है या फिर 12th वाला हो रहा है, तो एक ये टेक्निकल बैकग्राउंड पहले से ढूंढते हैं, इनकी जॉब प्रोफाइल भी ऐसी होती है, जॉब प्रोफाइल के भी वीडियो आशीष सर एक लेके आएंगे, रेडियो ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर शायद बना दिए मुझे ध्यान नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा वहां पर आपको मिल जाएगा। इसकी प्रिपरेशन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इसका जो कोर्स है वो चालू हो गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर दोनों साथ में ही लगभग चलेंगे, कुछ चीजें जो अलग है उसका अलग चलेगा, ये आप देख लो। 899 रुपए भैया इसकी फीस है, बहुत न्यूनतम फीस रखी गई है, कितनी ज्यादा फीस कितनी कम कर दी गई है, बहुत ज्यादा ऑफ चल रहा है इसका, संकल्प बैच के अंतर्गत आ रहा है, 300 से ज्यादा पीडीएफ दिए जाएंगे, 350 से ज्यादा क्लासेस होंगी, इसमें टेस्ट भी इसमें आपको मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें, जो बच्चे एएसआई से जुड़े होंगे, जो बच्चे एएसआई से जुड़ेंगे उन्हें पता होगा ये पीटी वगैरह दिए होंगे कि टीम परीक्षा पे इसकी क्वालिटी क्या होती है। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी, पहली बात में जो काम की बात है मैं यही बता दूं, अच्छा ये यहां पर एक चीज लिख दे रहा हूं, इसमें इस वाले में भैया क्या मांगा है, डिप्लोमा मांगा है, ध्यान देना, इस वाले में आपका क्या मांगा है, नहीं इस वाले में आपका 12th मांगा है, इस वाले में डिप्लोमा मांगा है, और इस वाले में क्या मांगा है, इस वाले में आपका 10th या आईटीआई मांगा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका जो एग्जाम है, एग्जाम भी बहुत जल्दी ही हो जाना है, सरकार वो मंशा में है, अभी आपका 40 दिन फॉर्म भरने में देगा और उसके एक महीने बाद पेपर हो जाएगा, मतलब कि 70 से 90 दिन मान के चलो, तो 2.5 से 3 महीने के अंदर आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। सिलेबस आपका इतना आसान भी नहीं है, साइंस यहां पे रोल ज्यादा प्ले करेगा, साइंस कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ बताया जाएगा। फिलहाल अगर आप कोर्स में जुड़ना चाहें तो अभी जुड़ सकते हैं, ये ऑफर अभी से चल रहा है, ठीक है ना, तो
अभी आप अपनी तैयारी जारी कर दो, और भी सारी तमाम जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अगर अभी सेशन को लाइक न किया तो शेयर जरूर कर दो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।